बंद कर देंगे। देखिए ये पीसेस भी हमारे पूरा नहीं हुए अच्छे है क्योंकि अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर मैंने रख दी हूँ ये सुरंग बॉईल करने के लिए, जिसमें मैंने डाल दिए जाम के पत्ते पहले, और फिर ये सुरंग है ये ऐसा, यानी कि जमीन में लगता है ये वाला सुरंग। एक वो होती है ये, कोई आपको ऐसा शेप से ऐसा लग रहा है क्या है क्या नहीं, तो ये जमीन में लगता है जैसे आलू वगैरह होते हैं वैसी। साथ ही यहाँ पर ये इमली की पत्तियां है, तो इमली के पत्तियों को नहीं क्या तोड़ करके इसमें डाल देने का, मैं दिखा दी आप लोगों को। ये देखिए इसमें एक इमली भी लगी हुई है, हाँ कच्ची वाली इमली, यम, इसको तो मैं खाऊंगी। और ये यहाँ पर मैंने डालती हूँ, यार इसमें पानी दिख रहा है। तो ये मैंने सारे इमली के पत्ते इसको ऐसा नहीं किया सिंगल सिंगल करके इसमें डाल दी हूँ मैंने यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर निकल, ये एक इमली भी निकली इसमें ही वाली, हाय कच्ची इमली, इसको मैं खाऊंगी बहुत नमक लगा करके, बहुत टेस्टी लगेंगी इमली। और ये देखिए ये सारे डंगाली में से पत्ते निकाल ली हूँ मैंने, इसके अंदर डाल दी हूँ। अब इसे पानी डाल देंगे हम, पानी डालूंगी तकरीबन मैं ये एक लोटा, यहाँ पर मग्गा जो बोलते हैं हम, और इसको हम कुकर की सीटी लगा देंगे अभी। तो बाहर में लगाया है ये वाला लाइट, क्योंकि सबके घर में सीरीज वगैरह लगी हुई है, और वैसे भी बाहर में जीरो लाइट चाहिए होता है, तो ये वाला लाइट लगा है यहाँ पर, और ये वाला लाइट बड़ा वाला यहाँ लगा है। तो इनको फटाके फूटे फटाखों की आवाज आ रही है अभी, ये पता नहीं अभी कहाँ गए थे, तो अभी आए मेरे साथ जाकर के बाहर से, फिर और बाहर गए थे, मैं बोली दूध लेकर के आए थे, तो बोलते दूध नहीं लेकर के आया, मेरे को लगा तुम दूध लाने चाहिए। ऐसी 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 कर सकते, ऐसे ऐसे गोल गोल खानी जैसे घूमता है, ऐसे ऐसे गोल गोल खानी। और हमारे लगते जिगर गए हैं बाहर दोस्तों के साथ में, तो अभी आने को है वो। और ये सब अच्छा लग रहा है, ये देखो नया मैंने इसका सेटअप करी है, ये नहीं क्या लेकर के आई थी मैं कुशन कवर और सोफे के कवर, साथ ही ये टेबल क्लॉथ भी लेकर के आई थी, वो बेडशीट लेकर के आई थी अभी। और यहाँ पर टीवी और पंखी बैठे हुए यहाँ पर, ये वाला लाइट को लगा दिए, अब ये वाला जीरो लाइट भी लगा दिए, कलर कलरफुल हर तरफ में कर दिए। और अभी हमको जाने का है बाहर खाना खाने के लिए, और ये सारा नाश्ता भाभी ने ला करके दिए है, तो अभी ये लो ना, भाभी ने नाश्ता ला के दिए, ये लो चॉकलेट लाए है, और ले लो तो यहाँ पर अभी रखने की समय, ये अम्मी के घर के भी ला के दिए इन्होंने, अम्मी के लिए जा देना बोले अब्बू के लिए सेव और बूंदी के लड्डू, तभी हम भी जाके ले दूंगी उनका भी, ले लो ना ला के दो, ला के दो करेंगे उनको, अगर लेकर में का नहीं रहेगा ना, ये लोग चूड़ा दिए इसमें, क्योंकि अम्मी के घर के लिए अलग ला के दिए है ना उन्होंने सेव और लड्डू, अम्मी का दे देना करके, क्योंकि अब्बू को पसंद नहीं रहते है ना, तो क्योंकि चाकू ले अब्बू शक्कर पारे तो खाने नहीं देखेंगे अब्बू, चूड़ा क्या देने का, इस वजह से चूड़ा नहीं लाए, चाकोली नहीं जमी बोले थे, चाकोली नहीं जमी बोले भाभी, पर अच्छी लग रही है, तो बेकार नहीं लग रही, टेस्ट तो अच्छा आ रहा है उनको, लग रहा है जैसे हमेशा बनाते हैं ना, तो हमेशा के हिसाब से थोड़ा सा फर्क पड़ा है अच्छी चाकोली में, वरना क्योंकि उनको कंटिन्यू काम हो जा रहे है बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी टाइम नहीं रह रहा है उनके पास में, तो अब पता नहीं कल भी फ्री होते कि नहीं होते भाभी। तो हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, तो अभी खाना खा करके आ गए हैं, और मेरे गले का टूट गया है तो अभी दूसरा पहनना पड़ेगा, सेठ जी ताला खोल रहे हैं क्योंकि अहरार अभी आने को ही है, और मेरा जल्दी जल्दी में जाना हुआ ना, इसलिए मैंने ब्लॉग मतलब ली नहीं थी, क्योंकि फटाफट से तैयारी करके निकले हम लोग इसलिए। और ये चूड़िया जो मैंने उस दिन ली थी ना ये पहनी, तो देखो रात में मस्त चमक रही है ये चूड़िया, बहुत प्यारी लग रही है रात को, शाइनिंग मार रही है अलग ही तरीके से, क्योंकि नग है इसमें। और ये चूड़ियों की खास बात ये है कि चूड़ियाँ ना जो है जल्दी टूटती नहीं है, फूटती नहीं है, मतलब टूटती नहीं है नहीं फूटती नहीं है, और साथ ही नहीं क्या इसके नग भी नहीं निकलते, कलर भी नहीं जाता डेली यूज के लिए भी ये अच्छी होती है। तो ये लाइट कितना अच्छा लगता है ना, घूमते रहता है गोल 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 गोल, जैसे जब ये बता रहे थे सब गोल 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 घूमता है करके, वैसा घूमता है ये। तो हम चलते हैं अंदर क्योंकि सेठ जी ने खोल दी है दरवाजा। सोए नहीं है, अरे सोए नहीं तुम लोग, जैद सोया नहीं क्या, हमारे तो ठंडी भी लग रही है तो पंखा शुरू है हमारे घर में, ये इनके लिए पंखे शुरू रखना पड़ता है,
इनको अल्लाह तुमने बोला बात है कि यहाँ पर वो डरेंगे नहीं इससे। अल्लाह तोबा 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 तो काकले माँ काकले इसको लगा दिए यहाँ पे। हाँ सोना ये क्या लगा दिए यहाँ पर छोटा वाला टेडी बियर, डर लग रहा आपको यहाँ पे? कब लगा देंगे जी तुम इनको? इनके मारे सच में बहुत कभी कभी ना त्रास आता है, क्योंकि अब ये एक तो इनको मेरे को धोना पड़ता है रोज डेली, इनको नहलाती हूँ मैं, इनका पिंजरा साफ करती हूँ। अब ये यहाँ पर ये छोटा वाला टेडी बियर लगाए है तो इसको मेरे को साफ नहीं करना पड़ेगा, इसको कितना गंदा करेंगे, सूखेगा तो भी क्या ये। अल्लाह कभी कभी ना त्रास आ जाता मेरे को, थक जाती हूँ। और तुम लोगों के मारे क्या है, तुम लोगों की हरकतें क्या है, ये क्या हरकतें तुम लोगों की? यहाँ ये क्या लगाए पापा ने, यहाँ पे क्या लगा के रखे पापा ने? पा देख ले ऐसी सोना सोना जैसी। आ ये निकालो बोलना पापा को, ये टेडी को निकालो सबसे पहले, हमको डर लगता। ये मैंने सुरंग जो रात को बॉईल करी थी तो ये सारे पत्तियों का कलर ऐसा हो गया है और सुरंग जो है हमारा वो गल गया है। दिखाती मैं आपको, देखिए ऐसा गल के इसका छिलटा निकाल के हमको पकाने का है, छिलटा ऑटोमेटिकली ऐसा निकल जाता है इसका। ये सारा जो है ना सब फेंक देना पड़ेगा, इसको निकाल करके इसको वॉश करके हम इसको सब्जी बनाएंगे। तो देखो हमने इसको ऐसे पानी में निकाल लिए है, अब इसको क्या हम इसका सारा छिलटा उतार लेंगे एक से दो पानी से और अच्छे से वॉश कर लेंगे इसको। ये देखिए ये ऐसा हो गया है ना, इसको वो उसमें से निकाल ली मैंने, सारे पत्ते वत्ते हटा देने के हमको ऐसा, और फिर इसको हम हमारी सब्जी बनाने के, तो इसको अच्छे से निकाल लेंगे हम। ये हो चुका है, अब मैं इसको ना ऐसे कट लगा करके आपको जितने बड़े इसके पीसेस रखने के, जैसे हमारे आलू के होते हैं उस हिसाब से आप इसके पीसेस कट कर सकते हो। तो मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ के रखी हूँ ना, इस वजह से आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा, मैं सारे को बारीक बारीक कट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने रख दी हूँ कढ़ाई गर्म करने के लिए, जिसमें मैं तेल डालूंगी, ज्यादा तेल लगता है, इसका ख्याल रखिए, सुरंग तलने के लिए सब्जी बनाने के लिए अच्छा तेल चाहिए होता है हमको, तो बहुत सारा तेल डालती है हमने इसमें। और ये जो सुरंग के पीस कट करके रखी थी, तेल गर्म होने के बाद में हम इस सुरंग के पीस इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो उधर ऑयल गर्म हो रहा है, मैं ये बर्तन धोई ना अभी, तो बर्तन को जमा करके रख देती हूँ, फिर बर्तन रहे मेरे ऐसी हम इसी जगह पर जगह के बावजूद भी हमारा तेल गरम, तो तेल में हम डाल देंगे पीसेस कट करेंगे, इसमें एक एक करके डाल दिए हैं ऐसे बारीक बारीक, इसमें कट करें जैसे आलू कट करते हैं ऐसी, और इसको हम अच्छा सा फ्राई करके निकाल लेने का है। अब हम क्या इसको पलट लेंगे थोड़ा सा, ये ऐसा पलट लेने का इजीली निकल जाता है ये ऐसा, और इसको फ्राई करने से और अच्छे से जो जाम के पत्ते में वगैरह हमने इसको बॉईल किए थे तो उससे कैसा है जो मुँह खुल जाता है ना वो नहीं खुल जाता, और उसमें खट्टा भी थोड़ा ज़्यादा जाता है कि जबान खुल जाने को भी ना सोचे, लेकिन नहीं पूछा था नॉर्मली अगर हम अच्छे से बनाए अच्छे से फ्राई करें, बिल्कुल जैसा मैंने बताई इस तरीके से स्टेप को फॉलो करूँगे तो बिल्कुल भी मुँह नहीं खुजाता है। हैरान खाता है ना शौक से हैरान, इसी पापा को बहुत पसंद है, इसलिए स्पेशली बनाना पड़ता है और इस मौके पर बन जाता है। ऐसा नॉर्मली भी हम बनाते घर में अगर कभी दिन हुआ तो। देखिए फ्राई हो गया है, हम उसको निकाल लेंगे, ऐसा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है इसको निकाल लेंगे, बाकी का सारे ही ऐसा नहीं कि हम फ्राई करके निकाल लेंगे, जितने भी पीसेस है इसके कुछ फ्राई करके हो गया है। और ये जो तेल बचा हुआ था ना, ये जो तेल मैंने ना इस गली में डाल दी हूँ, क्योंकि फ्राई करा तेल और कढ़ाई में आएगा नहीं, सुरंग थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है उस वजह से, सुरंग भी बोलते हैं इसको और जमी कद भी बोलते हैं क्योंकि ये जमीन के अंदर होता है इस वजह से। तो यहाँ पर क्या जैसे हम लोग खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे तेज़पत्ता हो गया और एक कलमी हो गई, ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डाली क्योंकि मैं पिसा हुआ डालूंगी इस वजह से। और इनके यहाँ पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, थोड़ा हमको ज़्यादा ही डालना है। तो इसमें मैं डाली हूँ गरम मसाला एक चम्मच, साथ ही यहाँ पर मेरे पास में पिसा हुआ जो गरम मसाला है जिसमें कलमी इलायची जायफल वगैरह सब कुछ मिक्स है, तो ये वाला मसाला डाली क्योंकि इस मसाले से और भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, जो घर का गरम मसाला होता है उससे।
साथ ही यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दूंगी मैं 2 से 2.5 चम्मच अच्छा भर के। साथ ही यहाँ पर हम नमक भी ऐड कर देंगे और फिर इसको छील देंगे। और मैंने यहाँ पर टमाटर जो है ना, ये 3 टमाटर को ऐसा क्या बना ली, टमाटो की प्यूरी टोमेटो प्यूरी बना लिए समझ लें इसको हमने। तो इसको अच्छे से भून लेंगे और अब हम डाल देंगे इसमें हल्दी। और हल्दी का आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, आपके घर में हल्दी पता नहीं ज़्यादा डार्क है लाइट है, कैसी आप ज़्यादा खाना पसंद करते हो कम खाना पसंद करते हो। यहाँ पर डाल देंगे हल्दी को, हल्दी को हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें डाल देंगे हम मिर्ची पाउडर। जो स्टार्टिंग प्रोसीजर होती है ना सभी का, इसमें टाइम लगता है, इसमें नहीं लगता है, इसमें फटाफट से भुना भुनाना सब हो जाता है। यहाँ पर मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा ना तीखा अच्छा लगता है, ये फीका फीके में टेस्ट नहीं आता तो यहाँ पर ये डाल दिए ऐसी मिर्ची इसमें। और मिर्ची के साथ ही मैं यहाँ पर टमाटर जो है टमाटर ऐड कर दूंगी, ताकि टमाटर का कच्चापन जो है ना वो मिर्ची और टमाटर का कच्चापन एक साथ निकल जाए करके। और इसको हम लोग प्लेट पे भून लेंगे ढक करके। मसाला अच्छे से भून के हो गया हमारा, तो मैं इसमें नहीं क्या जो सुरंग थे मतलब जो फ्राई करके रखती मैंने इसको इसको ऐड कर दूंगी पूरे को। और अच्छे से मिक्स करके हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये हो गया भून करके, अब आपको इसमें पानी ऐड कर देने का, जैसा कि मैं ऐड कर रही हूँ। तो पानी हमको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हल्का सा, तो ये अच्छे से थोड़ा पक जाए इस हिसाब से। ये देखिए ये अच्छे से पकने लग गया है, मसाला ज़्यादा इसमें ये तेल है ना, तेल की वजह से ऐसा दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है कि पतला शीरा है या कुछ है इसमें। और अभी और फिर बाद में हम गैस बंद करेंगे तो थोड़ा और सूख जाएगा ये। तो अब हम इसमें समार ऐड कर देंगे, समार ऐड कर दिया, अब हम गैस बंद कर देंगे। देखिए ये पीसेस भी हमारे चूरा नहीं हुए अच्छे, क्योंकि हमने फ्राई करके निकाल लिए थे, इस वजह से गैस की फ्लेम कर देंगे हम बंद।